नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तालिबान और ईरान की सेना के बीच अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है। दोनों देशों के बीच जमकर गोलीबारी की जा रही है, जिसमें तालिबान के एक लड़ाके और ईरान आर्मी के 3 सैनिकों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच हेलमेट नदी के पानी के अधिकार को लेकर ये जंग शुरू हुई है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर तालिबान लड़ाके पीछे नहीं हटे और पानी का प्रभाव नहीं बढ़ा तो वह अत्यधिक शक्ति का इस्तेमाल करेगा। वहीं तालिबान ने कहा है कि वे अपनी जमीन से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। जहां एक तरफ ईरानी मीडिया पहले गोलीबारी करने के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं तालिबान के मुताबिक पहले जंग ईरान ने शुरू की थी। एक तरफ जहां ईरान ने अपनी वायुसेना को अलर्ट पर कर दिया है और अपनी तोपों का मुंह अफगानिस्तान की तरफ खोल दिया है, तो वहीं तालिबान के कमांडर ने 24 घंटे के अंदर ईरान को फतह करने की बात तक कह डाली है। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल तालिबान और ईरान के बीच सारा झगड़ा हेलमेट नदी के पानी को लेकर है। दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। तालिबान के एक कमांडर हामिद खोरासानी ने कहा है कि अगर तालिबान के नेताओं ने हमें मंजूरी दी तो हम 24 घंटे के अंदर ईरान को फतह कर लेंगे। बॉर्डर पर बरसती गोलियां और दोनों पक्षों के बीच लगातार धमकियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आने वाले समय में तनाव और बढ़ सकता है। तालिबान कमांडर का कहना है कि जिस उत्साह के साथ हम अमेरिकियों के खिलाफ लड़े थे, उससे कहीं ज्यादा जोश के साथ हम ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। ईरान को तालिबानी नेताओं के सब्र के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर तालिबानी नेता हमें इजाजत दे देते हैं तो हम ईरान पर जीत हासिल कर लेंगे। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने खुलेआम अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को हेलमेट नदी के पानी के लिए चेतावनी दी थी। ईरान ने अपनी तोपों का मुंह अफगानिस्तान की तरफ घुमा दिया है और अफगानिस्तान की सीमा पर जमकर गोले बरसाए जा रहे हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ईरानी एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर आ गई है। तालिबान ने इससे पहले एक वीडियो जारी कर ईरान को आत्मघाती हमलों की धमकी दी थी। तालिबान ने कहा है कि वो ईरान के अंदर घुसकर हमला करेंगे। बताया जा रहा है कि मशीन गन और मोटार्स की मदद से तालिबान लड़ाके ईरानी सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। अब जरा ये समझ लेते हैं कि आखिरकार ये सारा विवाद है क्या। अफगानिस्तान से 2 बड़ी नदियां हेलमेट और हारिरूद ईरान जाती हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से हेलमेट नदी का क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है, जिससे ईरान के सिस्तान प्रांत पर नकारात्मक असर पड़ा है। इस नदी के पानी को लेकर अफगानिस्तान और ईरान के बीच 1973 में एक जल संधि हुई थी। इसके मुताबिक अफगानिस्तान को हर साल ईरान को 820 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी देना है। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसे कम पानी सप्लाई कर रहा है, तो वहीं तालिबान का कहना है कि इसकी वजह नदी का जल स्तर कम होना है। आपकी इस खबर पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।